तेरी जात का पैदा मारू साले, अगर इस तरह हंसोगे बरखुरदार तो तुम्हारा साले टेटुआ पकड़ के दबा दूंगा। यही तरह हंसा जा साला, जैसे घोड़ा हंसता है। राम बलि और महाबली, अरे मेरा असूल है कि खाओ कम खिलाओ ज्यादा, खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ। असूल है और मारो कम मरवाओ ज्यादा। सत कहता है अपने हाथों से मत मारो, हाँ, और दूसरे के हाथों से मरवा दो, क्योंकि मैंने सुंदर सिंह को भेज दिया है महाराज, और महाराज के बेटे को मारने के लिए हाँ? वहाँ पे 500 कर्मचारी हैं। अच्छा, अगर सुंदर सिंह वहाँ पर मारा जाएगा हाँ? तो यदि ताज और तख्त का मालिक मैं बनूंगा, क्योंकि मेरा नाम है RAMSING। लोग मुझे कहते हैं राम सिंह तोता, जो अपने बाप को नहीं होता, दुश्मन को गोली मारता है, बात बात में जूता उतारता है। आओ मेरे साथ, मैं बैठ करके सुंदर सिंह का इंतजार करता हूँ। आओ मेरे साथ। अरे जो डर गया, जो डर गया, समझ लो सालो। काहे पकड़ ली है बे? पकड़ नहीं, उसके लाए ना जाओ। पकड़ लिए नहीं इनके, हम आलमपुरी फैट मारी। कहने का मतलब है उसका, जो उसको डर जाएगा। या तो सार दुनिया के पलान सोचे पड़े हैं बे। पलान 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 नहीं पलान। देखे ये तो यार उरे बोंडर सोच रहे। या भला बताओ, या सार मंत्री सुंदर सिंह के भैया हरे व्यवहारी आए। अरे तो यार कहावत में कहे हैं कि तो मिले अनारी, कि तो मिले व्यवहारी, कि तो मिले बाहर वाला, कि तो मिले घर वाला। अब बताओ यही ठीक देख लियो जी, है मंत्री सुंदर सिंह का कितना इक्का व्यवहारी बनाए हैं। जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त। जब तक सार दोनों साथे बैठ के खाते नहीं, जब तक चैन नहीं। अरे कहाँ चैन पर, अब इक्का हुआ से बुलाए कहीं ना हो, यहाँ हमका बुद्धि बताओ कि हम कैसे महाराज बना। हाँ। और आज का ऐसा जुगाड़ बता दी कि वो खुद ही मौत के गड्ढा में इनका ठेल दे। चले गए। हाँ। चले गए। कहीं कि जाओ महाराज का मार डाओ। हाँ। और महाराज के लड़का का मार डाओ, तो तुम यहाँ के महाराज तुम बन जाई हो। हाँ। और मारे के लिए चल दही, और इधर अपना जुगाड़ लगाए है, अपना का सोच रहा है। अगर वहाँ राम, वहाँ मंत्री सुंदर सिंह जाएगा तो भाई एक से एक सेनापत वीर योद्धा है ही है। अभी सेनापत तो है ही है। यह साला राम सिंह तोता सोच रहा है क्या सोच, अगर मंत्री सुंदर सिंह अगर बेमौत मारा जाएगा हाँ? तो यहाँ का महाराज हम बन जावे। ये यासार महाराज बने के लिए खुद ही मरा जाए। राम बले है यार, ये साथ दोनों महाराज के बड़े परेशान है। हाँ? महाराज बने के बड़े परेशान है। हाँ? काये हमें तुम्हें रहते हुए दूजने महाराज बन जाइए। हमें तोरे रहते हुए महाराज बन जाए ना। हाँ? तो राज दरबार में हमार हमार तोर जिंदगी झंडा है फिर। जी में धिक्कार है। ऐसा करो का ये सार आए हैं तो ये सार जिंदा ना जाए पावे। यहाँ से इनका साइन का मरवा डाओ दिन दोपहरे। वह कैसे है, कैसे जुगाड़ हम बताई, कैसा जुगाड़। ये सार जिंदा बची है ना, को कैसा जुगाड़, जुगाड़ बताओ करेगा तो हम। मंत्री सुंदर सिंह की कहती हम हो जाई। हाँ तुम हो जाओ। मंत्री सुंदर सिंह के पिटरौल हम छुआई। अच्छा सुंदर। और राम सिंह तोता कहती तुम हो जाओ। अच्छा राम सिंह तोता के तेजाब तुम छुआओ। तनी के तेजाब, इनका चुगली उनसे, उनका चुगली उनसे। हाँ। दोनों जने करा जाए। हाँ। ये सार अवसर में खुद कट मर जाए दो जने। हाँ। तो यार राजा हम बन जाए, मंत्री तो ही बन जाए। बहुत सही। ये सार दोनों अवसर में कट मर जाए, मर जावे करी है। राजा तुम बन जाओ, मंत्री हम बन जाए। हाँ। जौन मन है हमारे उपकरण हम। जौन मन मावे जौन तुम करियो। हाँ जौन मंत्री कर रहे वही भी हम सोच। का कहो आपका, जौन मंत्रिया सोचे है तो हूँ सोचे है आपका, वही सोच। वो महाराज का मारे के लिए सोचे है तो हम हो महाराज का मार के। महाराज हम का मार दे है तो लिखिन बात। अबे तो हमारा व्यवहारी है इसकी दुश्मन है जिगरी दोस्त। चला जाए आओ चलते, लेकिन ऐसे नहीं आओ चले चलते हैं। लेकिन चलते चलते कहना है। क्या कहना है? कहने वालों ने कहा है। क्या कहा है? हाय
हाय हाय रही 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 रे अरे ल्यावा थी क्या की ल्यावा थी पिया बनवा से बंच रही ल्यावा थी पिया बनवा से बंच रही ल्यावा थी पिया बनवा से बंच रही ल्यावा थी पिया बनवा से बंच रे इस समय हमारे महाराज आराम कर रहे हैं श्याम पक्ष में और हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम अपनी ड्यूटी वफादारी के साथ सख्त ड्यूटी हम निभा रहे हैं क्योंकि हमारे महाराज इस समय आराम कर रहे हैं। रामबली रामबली कहां चली? चुप। मौका बहुत अच्छा है। मौका तो अच्छा है महाराज। बेखौफ अपने शयन कक्ष में बेखौफ सो रहे हैं और ठीक शयन कक्ष के दरवाजे पर ये खड़ा सिपाही कैसे पहरा दे रहा है? क्या वफादारी की नौकरी कर रहा है? ऐसा करो इसके सोने के मौके का फायदा उठाओ और इसे अपने कब्जे में करो। एका कब्जे में करी? बंदूक पहले लो हाँ? उसके बाद इसे कब्जे में करो। ठीक ठीक जल्दी करो। अब ये बच्चा नौकरी ड्यूटी कर रहे हैं कि ये सोए रहे हैं? अब इनके हम चाहे मोबाइल निकाल ले चाहे दोनों गोली निकाल ले। राम भले काम करो भाषण नहीं। जी जी सो रहा है। जाहे भूखे रहो दवा दी हो ना मार दी मुक्का दांत टूट गए एक ठो। होशियारी से काम करो। होशियारी से काम कि हमका जान मारिन डाइया सोनधे सोनधे में मुक्का चलावत हो। वक्त हमारे पास बहुत कम है। रामबली जगाओ से बढ़कर जगाओ। जगाई दे नहीं सोवे दे का करे सोवे तो सोवे दियो। इसे जगा कर सामने वाले कमरे में बंद कर दो। ए अबे रामबली रामबली नाहिन हम रामबली नाहिन हम दोनों जने दोखी अहिन कई नंबर रामबली जी रामबली क्या मजाक कर रहे हो यार? मजाक कर रहे हैं। मेरी बंदूक मुझे दे दो। बंदूक तुमका दे दे तुम हमका घुसेर के मार दियो भाई। ए रामबली बंदूक दे दो मुझे। बंदूक ना दे बाबा। रामबली अब तुम बेटा अंदर हो जाओ। नहीं रामबली अब तुम बेटा अंदर हो जाओ। ऐसा मत करिए। यू कैन गो महाराज को जगा देंगे। महाराज के जगा दे तुम कहा जगा पहले मार दो महाराज। यू कैन गो
यू गो हाउस अगेन द ट्राई लुकिंग नॉट बिहाइंड यू आर अंदर रामबली जी उसी दरवाजे पर खड़े हो जाओ और कोई भी शख्स अंदर से सैन कक्ष की तरफ आता है तो उसे फौरन गोली का निशाना बना दो क्यों नहीं खबरदार घेरो हमारी बंदूक और तैयार हो जाओ जी जाओ महाराज मैं चाहता तो तुझे सोते में मार देता लेकिन नहीं तुम्हें मारूंगा जरूर जगा कर और तुम्हें आगाह करके मारूंगा सुंदर सिंह तुम मेरे आराम कक्ष में महाराज तुम्हारी मौत का दूसरा नाम ठाकुर सुंदर सिंह है पहचान लो और आंखें फाड़ कर देखो हमारी आंखों में तुम्हारी मौत नजर आ रही होगी हो रहा क्रोध में बामूला एकदम यहाँ आने का मतलब बताता नहीं देख कर ढंग तेरा मैं तो हैरान हूँ खींचता क्यों बताई अपनी कृपा क्या है मुझे तो ताजमहल तख्त की है जरूरत मुझे ताजमहल तख्त की है जरूरत मुझे जल्द से जल्द इसको गहा दीजिए देर मुतलक जरा भी अरे लगाना नहीं जान जाए मुफ्त में तुम्हारी अभी ताजवा तख्त की करहा पिस है तुझे ताजवा तख्त की की करहा पिसे है तुझे आज देने को उसको मैं तैयार हूँ बख्श दीजिए मेरी जान को इस घड़ी ताजवा तक देने को तैयार हूँ हो जा तैयार पांच आदम के लिए हो जाता यार पांच आदम के लिए बांध ले बिस्तर तू उम्र भर के लिए अपने दुश्मन को छोड़ा ना चलता कभी लाया शमशीर तेरे जिगर के लिए नहीं सुंदर सिंह नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे सुंदर सिंह हम तुझे खुशी खुशी से ताज और तख्त देने के लिए तैयार हैं महाराज मांगना काम भिखारियों का है जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम छीन लिया करते हैं आज जिस तरह
तुम्हारा ताज और तख्त छीन रहा हूं। महाराज मरने को तैयार हो जाओ। नहीं, लेकिन इतना याद रहे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा दुधमुहा बच्चा करण सिंह भी हमारे हाथों मारा जाएगा। नहीं सुंदर सिंह, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करोगे। तुम बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे करण सिंह को कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। महाराज मैं अपना कीमती समय तुम्हारे हिजूल की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहता। ये लो महाराज, ये शाही तलवार आज तुम्हारे खून की प्यासी है। नहीं सुंदर सिंह, और इसकी प्यास मैं तुम्हारे खून से बुझाऊंगा। लो महाराज। नहीं, महाराज सज्जन सिंह महाराज, ये ठाकुर सुंदर सिंह जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला, और जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। याद रहे, सुंदर सिंह मेरा नाम है, सुंदर सिंह मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर देना, यही तो मेरा काम है। मुझे इसी वक्त शेर सिंह के बंगले पर पहुंचकर, शेर सिंह के बंगले पर पहुंचकर कुंवर करण सिंह का भी दुनिया से नामो निशान मिटा दूं, ताकि इस चंद नगर के जर्रे जर्रे पर ठाकुर सुंदर सिंह का नाम हो। याद रहे, हमसे पंगा नहीं लेना वरना बर्बाद कर दूंगा। या भगवान, नहीं मां मंत्री सुंदर सिंह, तुमने महाराज को मार करके कोई अच्छा काम नहीं किया। महाराज को मार करके इस वक्त सेनापति शेर सिंह के बंगले पे जा रहे हो, महाराज के छोटे बेटे कुंवर करण सिंह को मारने के लिए जा रहे हो। मैं इसी वक्त महाराज के लाश को अंतिम संस्कार के पास पहुंचा करके इसी वक्त हम सेनापति शेर सिंह के बंगले पे जाएंगे, और ये सारी बात जा करके हम सेनापति शेर सिंह से जरूर बताएंगे। महाराज क्या करें, हम अकेले कैसे ले जाए। महाराज या भगवान, आज ना जाने क्यों रह रख के मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी राज दरबार पहुंचूं और महाराज को अपनी नजरों से देख लूं। स्वामी जी, बात क्या है? ये आज ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है और ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी राज दरबार पहुंचूं और महाराज को अपनी नजरों से देख लूं। प्रिय, महाराज को देखना चाहते हैं आप? क्यों नहीं प्रिय, चूंकि आज एक हफ्ते बीत गए और मेरी छुट्टी भी खत्म हो रही है। प्रिय, एक हफ्ते बीत गए। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी, आज एक हफ्ते पूरे हो गए। क्यों नहीं प्रिय, आज मुझे हर हाल में राज दरबार पहुंचना है। प्रिय, ठीक है स्वामी जी। माँ बली, आखिर बात क्या है माँ बली, जो कि रोते हुए मेरे बंगले पर आए हो। बहुत गजब हो गया हुजूर। माँ बली, क्या गजब हो गया? कोई भी पड़ोसी देश का सम्राट अपने राज्य पे चढ़ाई किया है या कि आतंकवादियों ने राजमहल की तरफ हमला किया है? उजूर, उजूर, महाराज का खून हो गया। क्या महाराज का?
माँ बली, आखिर महाराज का खून कैसे हो गया? कौन ऐसा शख्स है चंदनगर में जो कि महाराज का खून कर सकता है? माना जाना आदमी ने महाराज का खून कर दिया, राज दरबार के माना जाना। माँ बली, आखिर आप पहलिया क्यों बुझा रहे हो? बताओ उस शख्स का नाम, मुझे बताओ कि किसने महाराज का खून किया है। हुजूर, महाराज का खून करने वाला कोई और शख्स नहीं है, अपने इसी राज दरबार के महामंत्री सुंदर सिंह ने महाराज का खून कर दिया। हुजूर, सुंदर सिंह ने महाराज का खून सुंदर सिंह ने कर दिया? जी हुजूर, और वहां से आपके बंगले पे आ रहा है। क्या कहा माँ बली, मेरे बंगले पर किस लिए आ रहा है? आपके बंगले पे आ रहा है छोटे कुंवर करण सिंह को मारने के लिए। छोटे कुंवर करण को बचा लेना। माँ बली, मैंने महाराज को वचन दिया है कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी राजकुमार करण सिंह की हिफाजत करूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाए माँ बली, लेकिन करण सिंह के बदन पर एक खरोच नहीं आने दूंगा मैं। छोटे कुंवर करण को बचा लेना, मैं भागते आ रहा हूँ और वो हमारे पीछे आता ही होगा। माँ बली, इस जिस रास्ते से आप आए हो उस रास्ते से राजमहल वापस नहीं जाओगे, क्योंकि सुंदर सिंह उधर से आ रहा होगा। अगर उससे मुलाकात तुम्हारी हो गई तो तुम्हारी भी जान को खतरा बन सकता है। अगर उस रास्ते से जाएंगे तो हमारे लिए खतरा जाए। ठीक है माँ बली, उस रास्ते से नहीं जाएंगे साहब। आप इस रास्ते से जाइए और सुंदर सिंह को आने दे मेरे बंगले पर, कुंवर करण सिंह की हिफाजत करना मेरा काम है। छोटे कुंवर करण को बचा ले। स्वामी जी, क्या करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिय, वो अपने बंगले पे आ रहा है। स्वामी जी, आप धीरज से काम लीजिए प्रिय, और ये बताइए कि दोनों बच्चे कहाँ पर हैं? दोनों बच्चे पालने में सो रहे हैं। क्या कहा प्रिय, बंगले पर दोनों बच्चे पालने में सो रहे हैं? जी हाँ स्वामी जी। प्रिय, इसी वक्त आप बंगले के अंदर जाइए और अपने बेटे राजू के कपड़े राजकुमार करण सिंह को पहना कर दुर्गे माँ के मंदिर में छिपा देना, और राजकुमार करण सिंह के कपड़े अपने बेटे राजू को पहना कर आप बंगले पर कहीं छिपा देना। अपने बेटे राजू के कपड़े राजकुमार करण को पहना दूं? क्यों नहीं प्रिय। स्वामी जी ठीक है, मैं ऐसा करके बहुत जल्द आती हूँ। ठीक है प्रिय, आप जाइए और तत्काल आइएगा। सुंदर सिंह, सुंदर सिंह, तू क्या समझता है कि महाराज को मारकर तू मेरे बंगले पर आएगा और राजकुमार करण सिंह को मारकर इस चंदनगर का सम्राट बन जाएगा? नहीं सुंदर सिंह, जब तक यह शेर सिंह इस चंदनगर में मौजूद है तू यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है। आएगा जरूर मेरे बंगले पर, लेकिन तुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा हरामजादे। मैं तेरी प्रिये? मैं अपने बेटे राजू के कपड़े राजकुमार करण को पहनाकर दुर्गे माँ के मंदिर के पीछे छिपा कर आई हूँ, और अपने बेटे राजू को राजकुमार करण के कपड़े पहनाकर बंगले के अंदर पलंग के नीचे छिपा दी हूँ। स्वामी जी प्रिय, बहुत ही अच्छा किया। और प्रिय, इस वक्त सुंदर सिंह के सर पे खून सवार है और झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है प्रिय, इसलिए हम लोग अपने बंगले पर ताला लगा कर एक दो घंटे के लिए कहीं चले चलते हैं। सुंदर सिंह आएगा और अपने बंगले पर ताला लगा देखेगा तो यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक है स्वामी जी, जल्दी चलो। ठीक है प्रिया, आओ मेरे साथ हम लोग। खबरदार, कोई भी चलाकी करने की कोशिश किया शेर सिंह, तो आज का दिन या तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन बात क्या है दोस्त मन, जब कभी भी आप मेरे बंगले पर आते थे दोनों दोस्त बैठकर चाय नाश्ता करते थे, और आज बात क्या है जो कि आते ही मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया है? ज्यादा होशियारी नहीं शेर सिंह, ज्यादा होशियारी नहीं। मैं कभी तुम्हारा दोस्त था, दोस्त हूं, दोस्त रहूंगा, लेकिन अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलने से इकरार किया तो वो सजा दूंगा, वो सजा तुम्हें दूंगा। ना कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने आज तक सोची होगी। आपकी कहने का मतलब क्या है मंत्री जी? स्वामी जी, शेर सिंह, मैं जितना पूछता हूं तोरा से उतना साफ साफ हमरा की बता। आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं मंत्री जी? तो सुन,
और कहा राजा का लाल जल्दी बताओ। कहा राजा का लाल शेर सिंह राजा का लाल जल्दी बताओ और नहीं वक्त ज्यादा अब देरी लगाओ। तुझे मार मुल्क अदम भेज दूंगा दूंगा अगर चे जो तूने बहाना बताया। महाराज महाराज चंद्रसेन का इकलौता बेटा करण सिंह को हमारे हवाले कर दे, मैं तुझे आजाद करके ये तेरा बंगला छोड़कर चला जाऊंगा। हमारी तुम्हारी दुश्मनी ना थी ना होगी और ना रहेगी। क्यों नहीं मंत्री जी, लेकिन मंत्री जी आप जरा सोचिए कि राजकुमार करण सिंह, राजमहलों में पलने वाला राजकुमार करण सिंह आखिर राजमहल में होगा और आप उसे मेरे बंगले पर खोज रहे हैं। ज्यादा होशियारी ना कर, हमरा के सब मालूम है कहां कहां कब कहां से आया है। हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खाती बार खोरदार। बोल महाराज का इकलौता बेटा करण सिंह को कहां छुपा के रखा है। मंत्री जी आप जानते हैं कि ये शेर सिंह कभी झूठ नहीं बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ राजकुमार करण सिंह मेरे बंगले पर नहीं है। आखिर वो राजमहल में होगा, मेरे बंगले पर किस ले आएगा। शेर सिंह हमारे सामने मुर्दा भी बोला करते हैं फिर भी तू तो जिंदा है। और देख अगर आज तूने साफ शब्दों में नहीं बताया तो हम तोरा के गूंगा जरूर बना दूंगा। जिंदगी भर तो कभी बोल नहीं सकेगा, कभी नहीं बोल सकेगा, याद रख। स्वामी जी बोल कहां है करण सिंह। मंत्री जी मैं आपसे कह चुका हूं कि राजकुमार करण सिंह मेरे बंगले पर नहीं है, वो राजमहल में ही होगा। कहीं आपको जरूर गलतफहमी हुई है मंत्री जी। शेर सिंह तू अच्छी तरह जानता है कि मैं कितना कमीना इंसान हूं। हम अपने कमीनापन पर उतर आऊं तो हम तोरा का हसर करेंगे तूने कभी सोचा भी नहीं। मत करो इतना सितम मंत्री जी। hey! Hey! मत करो इतना सितम। मंत्री जी मेरे स्वामी जी सच कह रहे हैं,
जो राजकुमार करण राजमहल में पलने वाला हमारे बंगले पर भला कैसे आएगा और क्यों आएगा? राजकुमार करण मेरे बंगले पर नहीं है मंत्री जी। हे हे बाला ठाकुर सुंदर सिंह, इतना बेवकूफ नहीं जितना कि तू समझती है। अरे हमारे आंखों के सामने महाराज भरे दरबार से चलकर तेरे बंगले पर आए और साथ में कुंवर करण सिंह को भी लाए। अरे मौका मिल गया होता, मौका मिल गया होता तो बाप बेटे को यही मिटा दिया होता, लेकिन ससुरा बच कर गया, लेकिन आखिर हमारे हाथों मारा गया। मंत्री जी मैं सच कह रही हूँ, राजकुमार करण मेरे बंगले पर नहीं है, मेरा यकीन कीजिए मंत्री जी। महाराज जी आए जरूर थे, लेकिन मेरे बेटे राजू के लेकर अपनी गोदी में खिला रहे थे और जाते समय उसे वापस देकर चले गए थे मंत्री जी। माला अगर हमरा के करण सिंह नहीं मिला, हमरा के करण सिंह नहीं मिला तो पोछ डाल अपने मांग का सिंदूर, आज के बाद इतना सुहाग ससुराल जिंदा। मंत्री जी मैं राजकुमार करण का पता बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में आप मेरे स्वामी जी को छोड़ देंगे मंत्री जी। मैं वादा करता हूं कि करण सिंह को पाते ही हम तेरा पति का तेरा बंगला छोड़कर चला जाऊंगा, बंगला छोड़कर चला जाऊंगा। बोल मंत्री जी। राजकुमार करण, मैंने महाराज को वचन दिया है भले ही मेरे प्राण चले जाए लेकिन बच्चों को पता तुम नहीं बताओगी। सर सिंह क्या करूंगी राजकुमार करण को बचाकर, क्या करूंगी उस वचन को निभाकर जिससे मेरा सब कुछ लूट जाए। मुझे महाराज का बेटा राजकुमार करण नहीं, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। Good. मुझे मेरा सुहाग चाहिए। Very good. तो बोल कहाँ है, कहाँ है करण सिंह? मंत्री जी आप मेरे स्वामी जी को छोड़ देंगे? और हम जवान देते हैं और जवान देकर ठाकुर सुंदर सिंह मोकर्रा नहीं सीखा। मंत्री जी राजकुमार करण उस समय अपने बंगले के अंदर पलंग के नीचे छिपा कर आए हूं मंत्री जी। कुंवर करण सिंह के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, राजमहल में सोने पे के पाले पर, राजमहल में सोने के पाले पर सोने वाला कुंवर आज तेरे बंगले पर चापाई के नीचे लिटाया गया। हाँ मंत्री जी अब मेरे स्वामी जी को छोड़ दो मंत्री जी, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। राम भले शेर सिंह के बंगले को छप्पा छप्पा छान मारो, कौन से कमरे में कौन सी चारपाई के नीचे लेटा गया है उसे हमरे सामने हाजिर किया जाए। बहुत नहीं सुंदर सिंह, राम बलि को वापस बुला ले। आखिर इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें जान ही लेनी है तो बेशक मुझे मार दो, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो। को वापस बुला लो सुंदर सिंह। किसे वापस बुलाना है और किसे वहां जाना है इसका फैसला ठाकुर सुंदर सिंह करेगा। ठाकुर सुंदर सिंह। लीजिए महाराज का बच्चा, ये चार पाई के नीचे सो रहा था। राम भले इस करण सिंह को शेर सिंह की नजरों के सामने
इसी के बंगले पर, इसी के कमरे में, इसी फर्श पर लेटा दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मंत्री जी, ये बच्चा मुझे दे दो मंत्री जी, ये बच्चा मेरी झोली में डाल दो मंत्री जी। मारा ठाकुर सुंदर सिंह, झोली भरना नहीं, ठाकुर सुंदर सिंह झोली भरना नहीं, झोली खाली करना जानता है। और देख सर सिंह, सुंदर सिंह आप इस बच्चे को नहीं मार सकते। सुंदर सिंह आखिर इस नन्ही से जान ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अगर तुम्हें जान ही चाहिए तो मुझे मार दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। सुंदर सिंह बच्चे को छोड़ दो। सुंदर सिंह सांप का बच्चा सपोला, सांप का बच्चा सपोला, कल के बिस्तर नाक बन जाए इससे पहले कि उसके फन को कुचल देना चाहिए। देख इसी करण सिंह के लिए तूने महाराज को जबान दिया, उनसे वादे किए, तूने कसमें खाई कि महाराज मैं अपनी जान को न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन करण सिंह के शरीर पर खरोंच तक नहीं आने दूंगा। देख देख करण सिंह को हट जा। Ha 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 ha